हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को दिखाने वाले हैं जो कि ओवर ब्रिज बने हुए हैं और उसके नीचे अच्छे से गार्डन बना दिया गया है। पहले यहाँ काफ़ी गंदगी हुआ करती थी, उसको कितने अच्छे से गार्डन के रूप में तैयार कर दिया गया है। चलिए आप लोग को दिखाते हैं बैक कैमरे। दोस्तों देखिए, ओवर ब्रिज है, ओवर ब्रिज के नीचे बना दिया गया है पार्क, गार्डन बना दिया गया है और उस पर घास लगी है, फूल लगे हैं। ओवर ब्रिज का ये पिलर है। ये रास्ता आपको सादागंज लेके जाएगा और सीधा बाईपास आपको अयोध्या लेके आएगा। देखिए, फव्वारा भी लगाया गया है। आप लोग जैसे ही सादागंज से आप प्रवेश करेंगे अयोध्या में, इस तरह की पेंटिंग्स आपको मिल जाएंगी जो कि पूरे दीवार पर बनाई गई हैं और ओवर ब्रिज के नीचे इस तरह के गार्डन बना दिए गए हैं जो यहाँ सब काफ़ी गंदगी हुआ करती थी और इसको अच्छे से रिनोवेट करके बना दिया गया है। फव्वारा लगा दिया गया है, घास लगा दी गई है, फूल लगा दिए गए हैं और इसमें फव्वारा भी चलेगा, आने वाले समय में लाइट भी चलेगी, सब कुछ बना दिया रहा है क्योंकि अयोध्या को एक अच्छा पर्यटक स्थल बनाया जा रहा है। अब हम आ चुके हैं NH 27 पर, इससे आपको लेकर चलते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं रायबरेली बाईपास के नीचे किस तरह से पुल के नीचे बनाया गया है गार्डन और वहाँ पे किस तरह से घास लगाई गई है, फूल लगाया गया है। और देखिए, यहाँ रोड के बीचों बीच में भी आपको ढेर सारे पेड़ लगे हुए हैं, बहुत अच्छे से लगाया गया, बड़ा बढ़िया है। और ये देखिए, वॉल पेंटिंग जो बात कर रहे थे आपको, करीब 10 किलोमीटर सादागंज से स्टार्ट होती है और पूरा अयोध्या तक बनाई गई है। इसमें आपको रामायण का, मतलब कि भगवान राम के बचपन से लेकर और कुश के जन्म तक पूरा, मतलब पूरी त्रेता युग की झलक दिखाई गई है आप लोगों को। तो उसमें मैं वीडियो पहले बना चुका हूँ, आप लोग अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं, हमारे चैनल पर है। और ये देखिए, समय आ चुके हैं रायबरेली बाईपास पर। रायबरेली बाईपास के पुल के नीचे यहाँ तो बहुत गंदगी हुआ करती थी और इवन लोग यहाँ कूड़ा डाल देते थे और बहुत तरह की गंदगी फैलाया करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं कर पाएंगे। अब इसको बढ़िया से एक अच्छा सा पार्क टाइप बना दिया गया है, घास लगा दी गई है, फव्वारा लगा दिया गया है। ये देखिए, हम चल रहे हैं इलाहाबाद रोड की तरफ, वहाँ के बाईपास पे आपको दिखाते हैं वहाँ का किस तरह से फव्वारा लगा है, किस तरह से बनाई गई, लगभग लगभग चीज़ें एक जैसी ही है। ये देखिए, हनुमान जी बनाए गए हैं, उड़ते हुए हनुमान जी बनाए गए हैं। ये ऊपर ब्रिज जा रहा है जो सीधा गोरखपुर जाता है, अयोध्या होते हुए गोरखपुर पहुँच जाएगा। NH 27 है, ये बाईपास के बगल से लिंक रोड है। तो हम आ चुके हैं इलाहाबाद बाईपास के नीचे। देखिए, यहाँ का अभी नई नई घास लगाई गई है, नया बनाया गया है, इसमें कई तरह के छोटे छोटे पेड़ लगाए गए हैं फूलों के और बीच में एक फव्वारा लगाया गया है और ये लाइट लगाई गई है जो रात में जलेगी और यहाँ एक अच्छा सा प्रकाशमय बढ़िया वातावरण रहेगा। बहुत ही सुंदर दृश्य होगा जब ये पूरा तरह से बन जाएगा और जब लाइट वाइट लगेगी जलेगी। दोस्तों, ये जो डेवलपमेंट आप लोग को हमने दिखाया है, इसके बारे में आप लोग की क्या राय है कमेंट सेक्शन में बताइए। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल पर भी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं नए वीडियो नए ब्लॉग के साथ, तब तक रखिए अपना और अपनों का बहुत ख्याल। जय हिंद।